नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरानी पेंशन का मुद्दा अब नई संसद भवन में गूंज गया, यानी विपक्ष एक साथ मिलकर अब पुरानी पेंशन पर सरकार को घेरेंगे, क्योंकि सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से 2-3 राज्य में सरकार बनाई है, तो कांग्रेस का साथ देने पर ये जो है बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। और पुरानी पेंशन का मुद्दा कर्मचारी का मुद्दा है, तो आइए विस्तार जान लेते हैं। लेट्स गो। पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब कितना गंभीर हो चुका है, इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर संयुक्त रूप से सहमति बन चुकी है, यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को नई संसद के मानसून सत्र में इस बार फिर से गूंजने की सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली मुद्दे पर कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए 2 राज्यों की सत्ता परिवर्तन कर दिया, उसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों के गठबंधन ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अपना समर्थन दे दिया। इस बार सरकार के सामने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को भी पूरी प्राथमिकता के साथ सभी विपक्षी दलों संसदों की तरफ से उठाया जाएगा और सरकार से सवाल किया जाएगा कि कुल मिलाकर विपक्षी दलों के नेताओं ने साफ कर दिया कि नई संसद में पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब पूरी प्राथमिकता से उठाएंगे। उसके लिए एक साथ 7 मकसद की पूरी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर अगर विपक्षी दलों के सांसदों के एक तरफ से उठाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा हवा मिलेगी और सबसे ज़्यादा कर्मचारी भी इसी मुद्दे पर जुड़ जाएंगे। और विपक्षी दलों के नेता यही चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अगर कर्मचारी वर्ग उनके साथ जुड़ गया, तो जाहिर सी बात है कि आगामी विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में जीतने की उम्मीद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से यह सब प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे का गणित जानिए। संयुक्त रूप से विपक्षी दलों के तरफ से यह प्रयास क्यों किया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है, उसमें विपक्ष की तरफ से इस बात की रणनीति बनी है कि जहां पर जैसे क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व ज़्यादा हुआ, वहां पर उस पार्टी को विपक्ष की ओर से टिकट दिया जाएगा, यानी कि जैसे जिस पार्टी का राजभार में तरीके से राजनीतिक वर्चस्व है, उसको उनको लगता है कि वहाँ पर उनके पार्टी का सांसद या विधायक चुनाव जीत सकता है, उसके पक्ष में लहर है, वहाँ पर अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, यानी कि वहाँ पर विपक्षी दल का एक ही नेता चुनाव लड़ेगा। ऐसे में सभी विपक्षी दलों के चुनौती यही है कि जब सब हम लोग संयुक्त रूप से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे और संसद में इस मुद्दे को प्राथमिकता से सरकार के सामने सवाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारी दल के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा, उसको अपना समर्थन देने का प्रयास करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अभी तक कर्मचारियों का विश्वास सिर्फ कांग्रेस के साथ में है और विपक्षी दलों को चिंता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ मिलकर से चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में कर्मचारी कांग्रेस को ही वोट दिए, तो फिर हमारे पूरे प्लान पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। इसलिए विपक्षी दलों की तरफ से आयोजित हुई बैठक इस बात का फैसला कर लिया गया कि अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को हर एक राजनीतिक दल पूरी प्राथमिकता के साथ उठाएगा। वह यानी कि नई संसद में इस बार मानसून सत्र होगा, तो मानसून सत्र के दौरान इस बार पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा सबसे ज़्यादा मजबूती से साथ उठाने वाला है। यानी कि इस बार जवाब सीधे प्रधानमंत्री को देना होगा, वित्त मंत्री को देना होगा कि आखिर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के इतनी देरी क्यों की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी को भविष्य जब नई पेंशन में सुरक्षित नहीं है, तो उनको नई पेंशन क्यों दी जा रही है। इसी बीच विपक्षी एकजुटता के बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि यह सरकार का नियम क्या है, जिस कानून का कर्मचारी और किसान विरोध करते हैं, उस कानून को सरकार लागू करने में अमादा रहती है। और पहले 3 किसी कृषि कानून को लेकर के सरकार आए दिन उसको किसान किसी भी हालत में किसान स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए, तो सरकार जबरन कानून को लागू करने के लिए आमदा थी। और न्यू पेंशन स्कीम का मुद्दा, न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी नहीं रहना चाहते हैं, कर्मचारी को अपने भविष्य की चिंता सताती है, बावजूद इसके सरकार न्यू पेंशन स्कीम को लागू करने पर आमादा है। न्यू पेंशन स्कीम कोई दवाई है या किसी जो कर्मचारी को लेनी जरूरी है? अगर कर्मचारी को लगता है कि पुरानी पेंशन से उसका भविष्य सुरक्षित है, तो सरकार को देने में दिक्कत क्या आ रही है? इसका जवाब सरकार कभी भी देने को तैयार नहीं होती है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी को पेंशन मिलती है, उनको दैनिक जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है, इलाज क्या कराएंगे वे? इन सभी मुद्दों को बहुत विस्तार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठकों में उठाया है।